दोस्तों नमस्कार। आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि गूगल के प्ले स्टोर से जो टिकटॉक था उसे हटा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। बता दें आपको कि टिकटॉक से रिलेटेड जो नई अपडेट निकल के आ रही है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ, पूरी जानकारी मैं आपको टिकटॉक से रिलेटेड देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही जो भी अपडेट आते हैं, लेटेस्ट अपडेट, हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ लेके आते रहते हैं। तो आपको बता दें कि टिकटॉक की ओर से एक नई जानकारी जो है रिलीज की गई है। आपको बता दें, इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया कि हमारे टिकटॉक इंडिया समुदाय को सूचित करना करना है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है टिकटॉक वालों ने। दुर्भाग्यवश न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण 17 अप्रैल 2019 से टिकटॉक ऐप को अस्थायी रूप से जो है ऑनलाइन स्टोर से हटा लिया गया है। हालांकि यह अंतरिम बैन करोड़ों मौजूदा ऐप उपयोगकर्ताओं को प्रभावित नहीं करेगा, जिनके पास ये मोबाइल में ऑलरेडी ऐप हैं, जो इनके पास ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है, उनके ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो ऐप जैसा चल रहा था वो ऐसा ही चलता रहेगा। आपको बता दें कि इस अवधि के दौरान आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण और कुछ क्षणों को कैद करके और साझा करने के लिए टिकटॉक का उपयोग जारी रख सकेंगे। इसकी विभिन्न जो सुविधाएं हैं, शूट की जा सकती है और जो शेयर है का उपयोग कर सकेंगे, मतलब जो भी इसकी सुविधाएं, तथा हमारी इन ऐप चुनौतियों में भी भाग ले सकेंगे। जो भी उनका ऐप का चुनौती था जिसपे आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे, वो सिर्फ उनके लिए है जो कि ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं। अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो ये आप नहीं कर सकते, ना ही अब इसमें आप गूगल प्ले से ले सकते हैं, इसे ना ही डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप शेयर करके ऐप एक एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जरूर ले सकते हैं। आपको बता दें कि हम वर्तमान में यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भारत में ऐसा कोई भी जो है याचिकाकर्ता, माफी चाहेंगे, ऐसा कोई भी, अच्छा जी, यहाँ पर आप मेंशन किया गया कि यहाँ पर कोई भी जो व्यक्ति है, व्यक्ति जो भी अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए टिकटॉक का उपयोग करना चाहता है, ऐसे में उसके ऊपर बाध रूप कर सके, मतलब ऐसे में उनके ऊपर कोई भी जो है नरी, मतलब उनके ऊपर कोई भी प्रकार का बाधा नहीं आ सकता है, वो ऐप को यूज कर सकते हैं। आपको बता दें कि नई जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। टिकटॉक इंडिया की तरफ से ये लेटेस्ट अपडेट निकाला गया है, जो आपको बता दें कि बिल्कुल ये लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है टिकटॉक इंडिया की तरफ से, जो ये जानकारी जो है रिलीज की गई है। तो इसके जरिए इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐप यूज़ कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अभी ये कब तक गूगल प्ले स्टोर में आएगा, इस पर कुछ भी कहना, इवन टिकटॉक इंडिया की तरफ से भी अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जो भी अपडेट निकल के आता है हम आप सबसे पहले और इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। जितने भी हमारे टिकटॉक जो स्टार्स हैं, जो इस टिकटॉक पे काम करते हैं, जो टिकटॉक पे वीडियो बनाते रहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।